हेलो नाजरीन हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सराना किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चीला। तो आइए मेरे किचन में। सूजी का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच अजवाइन, तीन चार लाल मिर्च, थोड़े से लहसुन, स्वाद अनुसार नमक, एक इंच कच्चा नारियल का ग्राम सूजी, थोड़े से बादाम, चाट मसाला, थोड़े से चना दाल, रिफाइंड तेल, बेकिंग पाउडर, दही। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बादाम, चना दाल, इसमें लहसुन और लाल मिर्च को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम ग्राइंडर जार में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें फाइनल तड़के के लिए आगे बढ़ते हैं। एक चटनी यहाँ पे और बनाएंगे हम, जिसमें हमने धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच दही ऐड किया है। इसे भी अच्छे से पेस्ट बना लें। ये चटनी भी हमारा तैयार है। चलते हैं तड़के की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी जीरा, और इसे हम अच्छे से तड़का लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सूजी और दही को अच्छे से पीस लिया है। इसके बाद इसमें हम बेकिंग पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़े से अजवाइन ऐड करेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। जितना पतला आप इसको रखना चाहते हैं उतना आप रखें, ये बिल्कुल थिक पेस्ट है। फिर हम तवे पे अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे और अपना एक एक बैटर इसमें ऐड कर देंगे। ये चीला है इसलिए आपको इसको बिल्कुल थिक बनाना है। इसे अच्छे से दोनों साइड पकाना है। देखिए ये अच्छे से हमारा क्रिस्प हो गया है। अब ये चीला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको घर में ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।